इधर जिसको हमने कल इसके अंदर घुसा के ऊपर से टेपे वेपे लगा रहे थे, तो वही से पूछते हैं। कल ये थोड़ी देर बंद रहे, तो जैसे हम पौधों को बंद रखते हैं तो वो पौधे कटिंग जो है जड़े वही दिए। मोहन शेरा कहाँ लेके जा रहे हो? किसी को देनी है। अच्छा, बाहर कस्टमर को देनी है, तो फिर ले आओ लेके। चल भाई, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। बड़ी जल्दी में वेलकम शेलकम बाद में करेंगे, क्योंकि लाइट जाने वाली है। मैं आपको पहले कुछ दिखा देता हूँ, उसके बाद दोबारा से वेलकम करेंगे। अभी हमें लगाना है इसमें पानी। 9:15 हो रहे हैं और 9:30 पूरे लाइट चली जाएगी। यहाँ लाइट जाती तो टाइम से, लेकिन आती टाइम पर नहीं। देखिए, इसमें यूरिया वूरिया हमने डाल दिया, सालविया में कोलिया ये दो पट्टे रह गए थे, बाकी उधर तो हमने डाल दिया था। ठीक है, अभी लाइट हमारी जाने वाली थी। इतना यूरिया डाला कि हमने देखे गलियों में भी आ गए। ठीक है, भर भर के डाला है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट एंड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानी वानी लगाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से वेलकम बैक करेंगे आपको एक और नए व्लॉग के अंदर। ही देखिए, पाइप पाइप हमारा आगे, इधर भी शायद यूरिया डाल दिया या डालना है कोई पता नहीं है। तो मैं पानी स्टार्ट करता हूँ अपना। ठीक है, पहले पानी लगा लेते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा से व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी भाई हम सही से वेलकम बैक करते हैं, पहले जल्दी में थे क्योंकि लाइट जाने वाली थी, तो जल्दी जल्दी हमने सोचा पानी लगा लें। सो भाई, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप भी हुसैन का यूट्यूब चैनल, और मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ढेर कुछ। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके प्रेस दी बेल आइकन, घंटी को दबा दें, वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारे डेली व्लॉग कैसे पसंद आ रहे हैं। सो भाई, फाइनली इसको हमने पानी लगा दिया, इसको भी लगा दिया देखें। और जिनमें कल यूरिया डाला था उनको कल भी पानी लगाया और आज भी पानी लगाया, बस इतना ही लगाया और लाइट चली गई। देखें, जब भी यूरिया और डीएपी डालें, एक दिन दो दिन तीन दिन लगातार भर भर के पानी दें, ताकि यूरिया डीएपी अच्छे से हल होके मिक्स हो जाए। अब देखें कैसी चमक आ रही है कोलिए से, देख रहे हैं। अब दूर से नज़र आ रहा है घास वास निकल गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया। ये देखें, ये कटिंग वाला भी हमारा सही हो गया। यहाँ जो कोलिए लगा हुआ है ये बहुत छोटा है, इसको टाइम लगेगा। और ये देखो, ये वो प्लास्टिक है जो कल वाले व्लॉग में आपको दिखाई है भाई, काफ़ी मरम्मत की थी, लेकिन यहाँ से टेप शायद पसीना आने की वजह से देखो उतर गई। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा लगाते रहेंगे जब तक। अब इसकी केयर तो करनी है ना, छोड़ तो नहीं सकते, इसको ख़राब तो नहीं कर सकते। जब तक ये खुलता रहेगा हम बंद करते रहेंगे, और दूसरे महीने के बाद दूसरे कैन में सारी प्लास्टिक उतार देंगे। क्योंकि आपको पता है कराची में अभी जनवरी चल रहा है और गर्मी आ गई है, लाहौर इस्लामाबाद वहाँ तो ठंड पड़ी हुई है, लेकिन कराची वाले शुक्र करो अल्लाह का कि ठंडा मीठा मौसम रहता है। ठीक है, ये हमारे वहीद गुजरे यहाँ से। सुबह अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि ज़रूरी काम है, थोड़ा खाना वाना बनाने के लिए सब्ज़ियाँ वब्जियाँ लेके देनी है, वो देख के फिर दोबारा फार्म पे आएंगे, फिर व्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। जस्ट मैं आपको ये बता रहा था कि पानी लग गया दूसरी दफ़ा, कल भी इसको देंगे, और उसके बाद से वही डेली रूटीन थोड़ा 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 थोड़ा, ताकि थोड़ी खुश्क रहे तो ताकि ग्रोथ अच्छी पकड़े। ज़्यादा पौधा गीला रहे तो भी उसकी जड़ें जो हैं रूट्स हैं वो गलने लग जाती हैं, और उसकी ग्रोथ जो है फास्ट नहीं होती। इसलिए पौधे की पानी की वाटरिंग थोड़ी कम रखें, इतना दें कि वो एक दिन में 24 घंटे में पी जाए, ये ना कि भर भर के दें तो उसकी जड़ें ही गल जाए। फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, देखते रहें जुड़े रहें। इधर जिसको हमने कल इसके अंदर घुसा के ऊपर से टेपे वेपे लगा रहे थे, तो वहीं से पूछते हैं। कल ये थोड़ी देर बंद रहे, तो जैसे हम पौधों को बंद रखते हैं तो वो पौधे कटिंग जो है जड़ें छोड़ जाती है। वहीद, आपने कहाँ कहाँ से जड़ें छोड़ी हैं, दिखाने की जगह नहीं है? बोल नहीं सकता। कल मैंने इसको अंदर घुसा हुआ था तो इसने भी थोड़ी जड़ें छोड़ी, फिर मैंने बाहर निकाल लिया कहीं ज़्यादा ये बड़ा दरख्त ना बन जाए। अभी मैं दिखाऊंगा, लोग डर जाएंगे। गलत बात कर दी। देखो, इसको हमने अंदर ढका है ना पौधों के, तो जड़ें छोड़ जाएगा। वहीद भी कल अंदर घुसा हुआ था, क्योंकि वो लोग बोलेंगे इंसान कैसे जड़ें छोड़ सकता है, यही तो सोचने के बाद। वहीद, ये मोहन शेरा कहाँ लेके जा रहे हो? किसी को देनी है। अच्छा, बाहर कस्टमर को देनी है, तो फिर ले आओ लेके चलते। आओ जल्दी ले आओ। आजकल मेरे वीडियो कोई लाइक नहीं करता, पता नहीं वीडियो मेरी पसंद नहीं है। काम सही नहीं करता ना, सारा दिन सोया रहता है, गाने सुनता रहता है, फिर कैसे मजा आएगा? जैसे गाने लोग सुनते हैं उसमें तबीयत सेहत सही रहती है। सही है, हमने बहुत दिनों बाद यहाँ लगाया पानी, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। देखिए पानी खड़ा हुआ है, और हमारी इंपेशन देखो, अब जैसे जैसे सीज़न का एंड होता जाएगा ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे सीज़न का एंड होता जाएगा वैसे वैसे जो विंटर फ्लावर्स हैं उस पर ज़्यादा फ्लावर्स आते जाएंगे, क्योंकि गर्मी पड़ेगी फ्लावर ज़्यादा आएंगे। ये देखें, पहले स्टार्टिंग में इतने फ्लावर्स नहीं आएंगे, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, एक पौधे पे 50-50, 60-60 फ्लावर्स आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये देखें, ये आप काउंट करें और कमेंट में मुझे बताएं कि इस पर कितने फ्लावर होंगे। अभी तो देखें कुछ गिर गए, ये देखें पानी मैंने लगाया बड़ी जाली से, तो ये तकरीबन लगभग फ्लावर्स और ये बल्ब मिला के ना तकरीबन मैं बताता हूँ ये 50 से ऊपर होगा।
और अभी तो रुको, मैं आपको अभी जनवरी चल रहा है ना, मैं आपको फरवरी के एंड में दिखाऊंगा यही अगर हुआ अवेलेबल, वरना सेल हो गई तो मुश्किल है। अगर हुआ अवेलेबल तो ये देखना, एक पे मैं बताऊँ 60-70 से भी क्रॉस कर जाएंगे, इतने फ्लावर होंगे। फिलहाल हमने काफ़ी दिनों बाद यहाँ पानी लगाया। लोकल वाला डिफेंड विजय देखो, दूर से पता चलता है। मैं अगर आप वहाँ से गेट से भी व्यू लूँ ना तो आपको पता चल जाएगा लोकल वाला कहाँ खड़ा है। ये देखो हमारा जो यहाँ पे ट्रैक्सी ना फ्रैग्रेंस खड़ा हुआ होता था, जिसके एक पौधे देखें ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी जले हुए थे, और दो पौधे वो खड़े हुए और एक पौधा वो पीछे खड़ा, बाकी सारा सेल हो गया, जगह वगह खाली हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तो सर्दियों में, तो गर्मियों में हम अपनी पूरे फार्म को फुल करते हैं, प्लांट्स बना बना के, और सर्दियों में जैसे ही 9वां 10वां 11वां 12वां पहला दूसरा तीसरा होता है तो इतने पौधे सेल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि फार्म फिर खाली हो जाता है। हमारे यहाँ यही रूटीन है, फिर गर्मियों में फिर भरते हैं, मनी प्लांट लगाओ, टिफ़न लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बड़ा मज़ा आता है। ये थैली हमने पान लगाने के लिए इकट्ठी की थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। फिलहाल अभी हम ये स्टिक पकड़ी हुई है और हम जा रहे हैं कोलियस की नहीं पेटूनिया की गोली करने, वहाँ पर चलता हूँ और आपको वहाँ पर मिलते हैं। भाई पेटूनिया की गोली तो हम कर रहे थे लेकिन अभी हमें इमरजेंसी कहीं जाना है, ब्लॉग का कर देते हैं। लेकिन आपसे मेरा एक वो है, कमेंट में ज़रूर बताना कि अगले ब्लॉग में मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा और आपने मुझे काउंट करके बताना है कि देखें एक पोर्ट में ये अभी दरअसल इस पर देखें फ्लावर्स कम है, जो ये वाले हैं ना, ये वाले देखें पिंक वाले, आपने कमेंट में मुझे एक पोर्ट पर कितने फ्लावर हैं गिन के बताने। चलो मैं यहाँ से देता हूँ, ये देखें ये वाले पे आप स्क्रीन शॉट ले लेना यहाँ का, और ये फ्लावर्स और ये बल्ब जितने भी हैं ना मुझे गिन के बताने। अगर हुए 50 से ज़्यादा तो सब्सक्राइब कर देना, अगर कम हुए तो भी सब्सक्राइब कर देना। ये देखें इस पर गिन लेना आप, ठीक है, इस पर गिन लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेने आप, और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्कारलेट का, वेलवेट का। ये देखें बल्ब भी और ये फ्लावर्स भी मुझे गिन के बताने हैं, लाजमी बताना है कमेंट में, मैं इंतज़ार करूँगा आपका कमेंट का। ये देखें अभी तो एक कम है, जब सीज़न एंड होगा तो और भी ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे एक पे, ठीक है। और ये देख लें बाकी आप व्यू, ठीक है, आपने लाजमी स्पेशली मुझे ये गिन के कमेंट में ज़रूर बताना है कि एक पोर्ट्स पर अम्पेशन के कितने फ्लावर हैं। बाकी ब्लॉग का एंड करते हैं, वो देख लो सूरज डूबता हुआ भी हमने आपको दिखा दिया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल करना और कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। बाकी खुदा हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी।